स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए ऐसी लोकेशन पर प्रॉपर्टी लेकर आया हूं जैसी लोकेशन की हर किसी को तलाश रहती है। दूसरा, ये आपकी प्रॉपर्टी होने वाली है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, और ये आपकी सोसाइटी होने वाली है मेट्रो सिटी के नाम से, जो कि टप्पल के और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ने वाली है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा आपका डेवलपमेंट आ रहा है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है। मिनिमम 50 गज से लेकर आपको 500 गज 1000 गज तक का यहाँ पर प्लॉट मिल जाएगा, तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सोसाइटी का नाम मेट्रो सिटी होने वाला है, और ये इसका एंट्री गेट है। ये पूरी आपकी गेटेड सोसाइटी रहेगी, जितने भी आपका यहाँ पे टाउनशिप है, बाकी सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, बिजली की, पानी की, पार्क की, इलेक्ट्रिसिटी पोल की, सारी एक गेटेड सोसाइटी ये होने वाली है, जहाँ पे आपको 100% सिक्योरिटी मिलेगी। तो बाकी के अंदर हम चल के देखते हैं क्या क्या आपको यहाँ पे मिलने वाला है और कितना डेवलपमेंट हो चुका है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मेट्रो सिटी के अंदर, और ये यहाँ के सुपरवाइजर हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। क्या नाम होगा सर आपका? जी मेरा नाम नईम अली है। नईम अली है जी। तो ये यहाँ का सारा कैटेगरी यहाँ के है, मतलब जो भी सेल्स का काम होता है सारा काम इनके अंडर में है, बाकी यहाँ के ही सुपरवाइजर भी हैं। तो हम इनसे जानेंगे सोसाइटी के बारे में, लोकेशन के बारे में, और सबसे बड़ी कंपनी के बारे में हम इनसे जानेंगे। तो सर, सबसे पहले आप हमें कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताइए, कंपनी कब से काम कर रही है और कितने प्रोजेक्ट आपकी कंपनी डिलीवर कर चुकी है? सर मैं अगर कंपनी की बात करूँ तो कंपनी का जो नाम है हमारा वो IDIP है। जिस प्रोजेक्ट की अभी हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम खड़े हैं, ये मेट्रो सिटी के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये हमारा कमर्शियल लाइन है पूरा, जो बेल्ट है स्टार्टिंग में, जैसे एंट्री लेते हैं फ्रंट पे हमारा सारा कमर्शियल है, दोनों साइड में हमने कमर्शियल रखा हुआ है। देन उसके पीछे हमने 4 ब्लॉक रखे हुए हैं, ABCD, चारों ब्लॉक्स जो हैं रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट कौन सी लोकेशन पे है? मतलब सर ये जो है मेन टप्पल के अंदर आता है, टप्पल से जैसे ये मंडी रोड पे आते हैं, मंडी रोड पर ये जस्ट मंदिर के बराबर में ही हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि मेट्रो सिटी के नाम से। तो टप्पल से अलीगढ़ पलवल हाईवे जो आपको पड़ता है उससे कितना डिस्टेंस होगा? सर अलीगढ़ पलवल हाईवे से ये सिर्फ 500 से 600 मीटर की डिस्टेंस है। और यमुना एक्सप्रेसवे से कितना? सर यमुना एक्सप्रेसवे से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होने वाला है। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन लोगों का रहता है कस्टमर्स का, कि एयरपोर्ट से आपके प्रोजेक्ट का कितना डिस्टेंस होने वाला? सर एयरपोर्ट से अगर मैं एक्चुअल डिस्टेंस की बात करूं तो एक्चुअल डिस्टेंस एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर है टोटल, ठीक है। तो अभी ये आपकी सोसाइटी जो है, जो आप गेटेड सोसाइटी बना रहे हो, ये पूरा कितना एरिया में है और कितना यहाँ पे आपके प्लॉट्स लगभग होंगे और कितना इसका एरिया होगा टोटल? सर ये टोटल 25 एकड़ में है। 25 एकड़ जी, 25 एकड़ में यहाँ पे आपको कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों प्लॉट मिलने वाले हैं। दूसरा, मैं अगर आपसे अप्रिसिएशन की बात करूँ, क्योंकि इन्वेस्टर के दिल में सब ख्याल ये आता है कि अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें वहाँ से बेनिफिट किस तरह से मिलेगा, क्या यहाँ पे डेवलपमेंट आ रहा है? सर अगर मैं अप्रिसिएशन की बात करूँ तो करंट में जो यहाँ के रेट हैं वो भी 17,000 रुपये गज के हैं, और इन फ्यूचर सिर्फ 2 साल की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ही एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज 2024 में लॉन्च हो जाएगा, फर्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा, देन उसके बाद यहाँ के जो रेट हैं सबसे पहले एयरपोर्ट की वजह से बढ़ेंगे। देन सेकंड थिंग कि टप्पल के अंदर जो मेन कनेक्टिविटी दे रखी है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो कनेक्टिविटी, जैसे आगरा, अलीगढ़, पलवल और ग्रेटर नोएडा, नोएडा से अगर आप देखते हैं तो ये मेन कनेक्टिविटी है चारों तरफ से। इसी को देखते हुए ISBT भी टप्पल में ही बन रहा है, जो कि 800 एकड़ में बन रहा है, अभी तक का सबसे बड़ा ISBT है, ठीक। और फीचर्स यहाँ पे क्या क्या, जैसे ये तो एयरपोर्ट का और फिल्म सिटी का तो सब लोग जानते हैं, तो और कैसे कौन से हिडन यहाँ पे फीचर्स आने वाले हैं कस्टमर को जो नहीं पता, जो उनको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? सर जैसे कि अभी आप अलीगढ़ पलवल हाईवे जानते हैं, अलीगढ़ पलवल हाईवे जो है ये पूरा का पूरा बिजनेस कॉरिडोर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। इसके साथ साथ यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है टप्पल में, और लॉजिस्टिक हब भी बन रहे हैं, 2 लॉजिस्टिक हब यहाँ बन रहे हैं, एक बाजना में, एक टप्पल में। इसकी वजह से सर यहाँ पर एप्रिसिएशन आ रहा है जी। मुश्किल से आपके प्रोजेक्ट से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जी, हमारे प्रोजेक्ट से टोटल 1 से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होने वाला है। दूसरा, मैं आपको बता दूं यहाँ पर नाइट सफारी, बुलेट ट्रेन, पॉड टैक्सी जैसा भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है, जो कि अभी तक इंडिया में है ही नहीं है, इंडिया में पहली बार यहाँ पर आ रहा है। और बहुत सारे फर्नीचर हब आ रहा है, फिल्म सिटी के बारे में सब जानते हैं, एयरपोर्ट के बारे में सब जानते हैं। तो एयरपोर्ट का तो काम रनिंग में चल ही रहा है, 2024 में पहला फेज इसका क्लियर हो जाएगा, तब तक इसके रेट, अभी पिछले साल की बात करें तो यहाँ पे 6,500 रुपये गज का रेट चल रहा था। अभी आपके प्रोजेक्ट का रेट क्या है? सर अभी करंट में हमारे प्रोजेक्ट का रेट 17,000 रुपये पर गज का है। 17,000 रुपये पर गज से आपको यहाँ पे मिलने वाला है, सबसे बड़ी बात। और आपको यहाँ पे एक साथ पैसा नहीं देना है। तो सर मान लो किसी कस्टमर के पास पूरा पेमेंट नहीं है तो वो किस तरह से यहाँ पे ले सकता है, कोई EMI का लोन का फैसिलिटी? सर मैं बता दूं कि यहाँ पर बुकिंग अमाउंट जो है वो 30% है, 30% अमाउंट देकर के आप अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं, बाकी का जो 70% रेस्ट अमाउंट है उसके लिए आपको 30 महीने का टाइम मिल रहा है। जैसे ही आप 50% पेमेंट दे देते हैं हम आपकी रजिस्ट्री करा देंगे, जो बाकी का 50% अमाउंट है, जिस दिन वो 50% आपका कंप्लीट हो जाएगा देन आपकी म्यूटेशन हो जाएगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको सिर्फ आधी पेमेंट देने के बाद आपके प्लॉट की आप रजिस्ट्री करा सकते हो, आप पोजीशन ले सकते हो।
आप कंस्ट्रक्शन का राइट वगैरह कुछ? सर बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन का राइट जो है हम सिर्फ 30% पर दे देंगे आपको। 30% दे के आप अपना दोस्तों घर बना के रह सकते हो, बाकी का आप अपना 70% EMI के थ्रू 30 मंथ्स के अंदर दे सकते हो। जी तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपके प्रोजेक्ट में प्लॉट का मिनिमम साइज क्या है? सर अगर मिनिमम साइज की मैं बात करूँ तो हम 50 गज का मिनिमम साइज दे रहे हैं। अगर मैक्सिमम साइज की बात करूं तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप ले सकते हैं। 25 एकड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट है, इसमें कि आप अपना बड़े से बड़ा साइज भी ले सकते हैं। ठीक है, मिनिमम आप 50 गज का प्लॉट ले सकते हैं, बड़े से बड़ा कितना भी ले सकते हैं। कमर्शियल और रेजिडेंशियल दो तरह के आपको प्लॉट मिलने वाले हैं। आपके हाथ में कंपनी का लेआउट लग रहा है मुझे। जी बिल्कुल, तो इसमें आप थोड़ा सा समझाएंगे किस तरह से मतलब यहाँ पे प्लॉट। सर ये जो हमारा मंडी रोड है, मंडी रोड से जैसे ये सामने देख रहे हैं आप, ये हमारी मेन एंट्री हो जाएगी जो कि सीधी एंट्री जाती है 35 फीट की रोड से। ठीक है ठीक है, अगर इंटरनल रोड साइज की भी मैं बात करूं इसमें तो हमने मिनिमम रोड साइज इसमें 25 फीट का रखा है। ओके जी, इससे कम हमारा कोई रोड नहीं है। मेन रोड जो आपका 35 फीट का होने वाला है, बाकी कनेक्टिविटी 25 फीट की। जी ठीक है ठीक है, अगर 50 गज का प्लॉट लेना चाहता है तो उसको 25 फीट रोड पे मिलेगा। बिल्कुल 25 फीट। और क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे आप लोग दे रहे हैं मतलब कस्टमर को, और कितने टाइम में यहाँ पे आप डेवलप करके देंगे? सर जैसे फैसिलिटी की अगर बात करूँ तो हम यहाँ पर बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट और ये बाउंड्री वॉल वगैरह सब कंप्लीट करके दे रहे हैं। और पजेशन की बात करूं तो सिर्फ 1.5 साल में हम इसकी पजेशन कंप्लीट करके दे रहे हैं। 1.5 साल में आप पूरा सोसाइटी डेवलप करके देंगे? बिल्कुल, चाहे कोई आगे रहे या ना रहे। बिल्कुल ना रहे तो भी मैटर नहीं करता, बट हमारा जो टाइम है हम अपना टाइम डिले नहीं करेंगे, हम 1.5 साल के अंदर इसको पजेशन कर देंगे। तो दोस्तों 1.5 साल के अंदर आपको सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है। तो अगर कोई एंड यूजर भी है यहाँ पे आके बना के रहना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल जाएगी केवल 1.5 साल के अंदर। तो ज्यादा लंबा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है आपका। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई दिल्ली NCR से कोई साइट विजिट करना चाहता है, साइट देखना चाहता है, तो उसके लिए कोई फैसिलिटीज़ हमारी कंपनी देती है? सर कंपनी जो है फैसिलिटी देती है साइट विजिट के लिए, ऑफिस टू साइट और साइट टू ऑफिस। अभी कोई क्लाइंट अगर विजिट करना चाह रहे हैं NCR में किसी भी लोकेशन से तो उन्हें हमारे ऑफिस तक आना होगा। ऑफिस में आने के बाद में देन हम अपनी अपनी ही व्हीकल से उनको साइट विजिट कराएंगे और वापस ऑफिस तक ड्रॉप करेंगे। तो आपका ऑफिस की लोकेशन क्या रहेगी? सर हमारा जो ऑफिस है शाहीन बाग में है, कालंदी कुंज रोड पर फुट ओवर ब्रिज के पास। ठीक है, कालंदी कुंज सरिता विहार रोड पर फुट ओवर ब्रिज के पास इनका ऑफिस है। तो किसी को भी अगर विजिट करनी है तो डिस्प्ले पे सर का नंबर चल रहा है, आप उस पर अपनी क्वायरी ले सकते हैं। कोई भी आपके दिमाग में कोई भी सवाल चल रहा है तो आप उसको कॉल करके, इस नंबर पर कॉल करके आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा अपना साइट विजिट कर सकते हैं और प्लॉट भी अपना बुक कर सकते हैं। तो अली भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई इंडिया से बाहर का कस्टमर है, मान लो कोई दुबई में है या कोई सऊदी में है, तो उनके लिए भी कोई फैसिलिटी होती है प्लॉट? सर उनके लिए फैसिलिटी ये है कि अगर वो ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो हम उनको ऑनलाइन साइट विजिट कराएंगे पहले। साइट विजिट कराने के बाद अगर वो सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं देन डॉक्यूमेंट्री मांगते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी शो कराएंगे। उसके बाद में उनको जो है बुकिंग अमाउंट डालना होगा और उनके नाम से हम एग्रीमेंट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और तब भी वो यहाँ पर आएंगे रजिस्ट्री फाइनल कर देंगे। तो कोई अगर ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकता है तो उसके लिए भी इनके पास फैसिलिटीज़ है। जी तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे अप्रिसिएशन मिलने वाला है, रिटर्न बहुत अच्छा मिलने वाला है। केवल 1.5 से 2 साल के अंदर आपको लगभग 40 से 50% यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। तो देर मत करें, नेम लोकेशन के प्लॉट तो बहुत ही तेज़ी से बिकते हैं, जैसे कि आपका कॉर्नर का प्लॉट हो गया या मेन रोड का प्लॉट हो गया। तो अगर आपको प्राइम लोकेशन पे प्लॉट चाहिए तो आप देर ना करें, इस नंबर पर कॉल करके सर से अपना जो है साइट विजिट बुक कराइए, साइट विजिट करिए, अपने प्लॉट को बुक करिए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।